क्योंकि ऑलरेडी जिस प्रोसेस में हम हैं उस प्रोसेस को बहुत अच्छे से फॉलो करके कोई गया है, वो अगर हमें रिव्यू करे कि हम मॉक कैसे। एक आइडिया आया था मेरे दिमाग में, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और इस आइडिया को मैं भी अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, और आप भी मुझे बताना कि ये आइडिया कैसे है। हम कैट प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उसको अगर कोई हमें रिव्यू करने वाला मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल हमने 12th किया है और कोई 11th का बच्चा आए 11th पास करके और आपका 12th हो चुका है, वो आपसे बोले कि मुझे आप गाइडेंस दीजिए कि मुझे क्या क्या करना चाहिए अगर मुझे 12th में 90 अबव या 85 अबव मार्क्स लाने हो, तो पहले आप तो उससे फर्स्ट टाइम गाइड कर दोगे कि ये चीज़ें आप करो, स्टार्टिंग से प्रॉपर सारी चीज़ें करो, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहेगा आप उसको बताओगे, आप उसके साथ शेयर करोगे कि ये सारी चीज़ें तुम प्रॉपर करते रहना, और अगर इसको प्रॉपर तुमने किया तो फिर डेफिनेटली तुम्हारे 12th में अच्छे परसेंटेज आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस होता है, हम 12th को पास करके आए हैं, भले ही हमारा 12th में परसेंटेज जो भी हो, लेकिन अगर हम किसी को गाइड करेंगे तो अपने से अच्छा उसे गाइड कर पाएंगे, और जो चीज़ें हमने नहीं की वो भी उसे बताएंगे कि ये चीज़ें मुझसे छूट गई थी, अगर ये चीज़ें तुम करोगे तो इससे तुम्हारा परसेंटेज इंक्रीज होगा। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। उसके बाद मान लीजिए हमारे आसपास ही रहता है और वो पूरे ईयर हमारे टच में रहा, हमने जो जो उसे चीज़ें बताई हैं कि तुम्हें ये चीज़ें फॉलो करनी है, मान लो कि वो पूरे ईयर आपके पास आता है रिव्यू के लिए, उसने कोई पेपर सॉल्व किया तो आपको दिखाने के लिए आता है कि इस तरीके से मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या ये ठीक है, या फिर इसमें मुझे कुछ और इम्प्रूव करना चाहिए, प्रेजेंटेशन करना चाहिए, ए टू जेड अगर वो पूरे ईयर आपसे गाइडेंस लेता रहे तो क्या इसकी गारंटी है कि नहीं कि आप उसे अच्छे परसेंटेज दिला पाओगे? डेफिनेटली 100% दिला पाओगे। अगर वो अपना 100% एफर्ट दे रहा है और उसको आपने प्रॉपर गाइडेंस दे दिया है और वो प्रॉपर अपने कॉलेज के क्लासेस के लेक्चर भी अटेंड कर रहा है और वो रिव्यू के लिए कि जो चीज़ें प्रॉपर करनी चाहिए वो मेरी हो रही है कि नहीं ये आपके पास आता है पूछने के लिए, तो आप उसे डेफिनेटली बहुत अच्छे से गाइड करोगे, और बहुत सारे जो वो मिस्टेक करेगा वो भी आप उसे बताओगे कि यहाँ पे तुमने ऐसे किया, इसे नहीं करते, आंसर राइटिंग ऐसे करते हैं, प्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, और ये क्वेश्चन जो होता है अगर वो 15 मार्क्स के लिए है तो इसे इतने पेजेस लिखना चाहिए, अगर वो 8 मार्क्स के लिए है तो उसे इतना पेजेस के लिए लिखना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो अच्छा करेगा। क्योंकि गाइडेंस देना एक बात होती है, उस गाइडेंस को उसको कितना समझ में आया और वो उसको किस तरीके से फॉलो कर रहा है बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि हम बहुत जगहों से सीख जाते हैं कि हमें क्या क्या करना है, वो स्ट्रेटेजी हम प्रॉपर फॉलो कर पा रहे कि नहीं इसका रिव्यू हमसे कोई नहीं लेता। कि ऐसा मान लीजिए आपको कोई मिल जाए, वो फेसबुक पे भी मिल सकता है, यूट्यूब पे भी मिल सकता है, जो रिपीटर हो या फिर जिसने कैट में बहुत ज़्यादा अच्छे परसेंटाइल लाए हों, या फिर वो आपके आसपास कहीं रहता हो, थोड़ा एफर्ट हमें लेना पड़ेगा, ऐसे लोग को ढूंढना पड़ेगा। मैं भी कोशिश करूंगा कि ऐसा मुझे भी कोई मिले जो कैट में बहुत अच्छा कर रहा हो, या फिर लास्ट ईयर उसने अच्छा किया था लेकिन 2-4 परसेंटाइल की वजह से या फिर 10 परसेंटाइल की वजह से उसका ड्रीम कॉलेज उसे नहीं मिला, इसलिए वो फिर से कैट का प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके पास हम अपने रिव्यू के लिए जाएं। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, हम उससे बात करें कि देखो चीज़ें मुझे पता नहीं है और बहुत सारी चीज़ें पता है लेकिन वो मैं प्रॉपर कर पा रहा हूँ कि नहीं, ये कोई रिव्यू देने वाला नहीं है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप मुझे मेरी हेल्प करोगे? तो डेली अगर हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं, फिर उससे हम फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे या फिर जो भी सोशल मीडिया का कोई भी ऑप्शन हो, इंस्टाग्राम पे, उससे हम अटैच हो जाते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी स्ट्रेटेजी हैं वो उसके साथ शेयर करते हैं और वो हमें बताए कि हाँ हम प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, तो क्या हमारे बहुत अच्छा प्रिपरेशन होने के चांसेस हैं कि नहीं। क्योंकि ऑलरेडी जिस प्रोसेस में हम हैं उस प्रोसेस को बहुत अच्छे से फॉलो करके कोई गया है, वो अगर हमें रिव्यू करे कि हम मॉक कैसे दे रहे हैं, हमारा क्या स्ट्रेटेजी है, और फिर वो हमें गाइडेंस दे, फिर जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम आए वीकली मंथली तो उसके साथ हम शेयर करें 1-to-1, तो ये कितना अच्छा स्ट्रेटेजी है, तो हमारा प्रिपरेशन एक अलग ही स्टेज पे जा सकता है। लेकिन ऐसे लोग को ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि वो भी बिजी होते हैं, और अगर किसी ने कैट में बहुत अच्छा परसेंटाइल लिया है तो जाहिर सी बात है उसे एक अच्छा कॉलेज मिल गया होगा, तो उसके पास उतने टाइम नहीं होंगे कि वो हमारे रिव्यू करे। फिर भी कोई रिपीटर हमें मिल जाए या फिर कैट में बहुत अच्छा किसी ने किया था, तो ऐसे किसी से अगर हमारा एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो जाए अपने सीनियर्स जैसा या फिर ब्रदर जैसा, तो वो अगर हमारे पॉइंट पॉइंट पर हमारी चीज़ों को रिव्यू करे, क्योंकि चीज़ें हम सीख जाते हैं लेकिन वो बहुत अच्छे से हो नहीं पाती, या फिर कोई हमें बताता नहीं कि जो हम सीखे हैं वो हम प्रॉपर कर पा रहे हैं कि नहीं। तो यही आइडिया था। इस बारे में आपको क्या लगता है आप भी कमेंट करके बताइए, और हम ढूंढेंगे कि ऐसा कोई हमें मिल जाए जो हमें गाइड करे, उसके बाद रिव्यू करे, या फिर जो चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को देखे और हमें बताए कि हम सही कर पा रहे हैं कि नहीं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए, मिलते हैं आगे भी ऐसे ही कैट से रिलेटेड वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।